हमारे सम्माननीय प्रमुख अतिथि सुभाष ये देसाई मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग, इनके शुभ हस्ते आज हमारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन हो गया है। मेरे दिल की यात्रा है, ये मेरे जीवन की कहानी है। मैंने अपने जीवन में डिसाइड किया कि मैं अपनी पूरी जीवन को अपने देश के युवाओं के लिए समर्पित करूंगा और स्पेशली अपने रूरल यूथ के लिए, जो गांव-गांव में हमारे बच्चे हैं उनको एक दिशा मिल सकती हो, उनको एक रास्ता मिल सकता हो। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कोई हॉस्पिटल नहीं होगा जहाँ पे यहाँ के ट्रेन हुए बच्चे काम नहीं करेंगे, ये मेरा पूरा इरादा है, ये मेरा पूरा विचार है। गांव-गांव में कोई भी बच्चा, कोई भी बहन ऐसा नहीं छूटेगी जिसके पास कोई स्किल ना हो, उनके पास कोई ना कोई हुनर होगा। मुझे ये बात कहते हुए बहुत खुशी है, जब हमारी टीम हर बाड़ी में जा रही थी, गांव-गांव हर जगह पे हम बाड़ीज में गए, घर घर गए, एक एक बच्चे को समझाने के लिए कि जिनको जीवन में सीखना कितना जरूरी है, बारह बारह बार उनके घर पे उनके पेरेंट्स के साथ मीटिंग करी कि बच्चों को बाहर निकालो, उनको भेजो, इन पे विश्वास करो, इनके अंदर बहुत काबिलियत है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। और आज इलेक्ट्रीशियन जैसे कोर्स में दो लड़कियों ने एडमिशन लिया, उन्होंने कहा सर हमें ये करना है, मुझे ये सीखना है। तो आजकल की बहनें जेंडर स्टीरियोटाइप्स को भी ब्रेक कर रही हैं। एक लड़की ऐसी है जो बोल नहीं सकती, लेकिन उसने कहा मुझे मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है, मुझे खुद का बिजनेस सेटअप करना है। हमने उसको वेलकम किया, हम घर गए, उनको लेके आए कि हम चाहते हैं कि हम आपको आपकी का जो सपना है उसको पूरा करें। काम की जरूरत है ये आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर हमने 17 गाँव कवर किए और हम 400 युवकों से मिले। मेरा वर्ष झाले, मला खरंच असं वाटलं नव्हतं की मी काहीतरी, म्हणजे माझ्या या आयुष्यामध्ये काहीतरी बदल घडते। नेहमी असंच वाटायचं की मुलं आणि चुलं याच्या व्यतिरिक्त मी काहीच करू शकत नाही, पण एकदा सर गावामध्ये आले, त्यांच्याकडून पहल या संस्थेची माहिती भेटली आणि मी ॲडमिशन केलं आम्ही आम्ही नंतर त्यातून भाजी पानासन शिकतो, आम्ही आम्हाला घरात पण खायला होतो आणि त्याची ती भाजी बाहेर पण विक्री करू शकतो। या संस्थेमध्ये मला आज इथे बोलण्याचा आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे, मला इथे बोलण्याची संधी दिली। रायगड जिले में ये हमारा ये सेवा करने का, हमें ये सेवा करने का मौका मिला है, उसके लिए हमें खूब आनंद है। सभी ट्रस्टी की ओर से मुझे जानकारी देते हुए खुशी है कि ये प्रोजेक्ट हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। माझा सहकारी मित्र संपत जंगम सभापति आमच्या पाटील मॅडम, त्यानंतर खालापूरचे तहसीलदार आमचे नव्याने आज त्यांची उपस्थिती झालेली आहे, ते आमचे अतिशय सक्षमपणे बेरोजगार असणाऱ्या तरुणांना उभं करण्याचं काम स्किल डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून ही संस्था करत आलेली आहे। आतापर्यंत हजारो तरुण विद्यार्थ्यांना या संस्थेच्या माध्यमातून लाभार्थी म्हणून पुढे आलेले आहेत। ऑनरेबल सुभाष देसाई जी हमारे विधानसभा परिषद के सदस्य है और 2014 से उद्योग मंत्री के पद संभाले हुए हैं।
सर्वप्रथम एक अतिशय उपयोगी असं प्रशिक्षण केंद्र इथे सुरू केलं, त्याबद्दल या पहल संस्थेला आणि एमके संघवी ट्रस्टला मी मनापासून धन्यवाद देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो. मी तर त्यांचं हे काम पाहून, मला परत बहिणी तर यापूर्वीच माहिती दिली होती पण आज प्रत्यक्ष बघितलं, त्यांना मी आताच निमंत्रण दिलेलं आहे माझ्या तालुक्यात माणगाव तालुक्यात या. प्रशासनाचे अधिकारी आहेत, सीईओ असतील, मुख्य अधिकारी, तहसीलदार यांच्या नियंत्रणा ताब्यामध्ये अनेक अशा सरकारी सुविधा असतात की ते सुद्धा उपलब्ध करून देऊ शकतात. आणि मला खात्री आहे की चांगलं काम घेऊन जर कुठली संस्था आली, कार्यकर्ते आले, तर आमचे अधिकारी त्यांना नक्कीच सहकार्य देतील. तुमच्या गावातल्या मुलांना काही ट्रेनिंग देण्यासाठी, कौशल्य देण्यासाठी ह्या केंद्राचा वापर करायला द्या. ये पहिले ये पहचान आप दे रहे लोग, ये पहचान देना किसी को. हमें ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने चाहिए और हमारे पास बहुत सारी जगह है. तो मैं मेरे दिल में आया कि क्यों ना मैं रिक्वेस्ट करूं हमारे प्रशासन से, एटलीस्ट हमें 10,000 स्क्वायर फीट का अगर एक जगह होगा वहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन बिल्ड करके पूरा एक ऑफिस सेटअप कर सकते हैं, जहाँ से एंटायर गांव-गांव में यूथ के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ब्लॉक्स पे एंटायर एक्टिविटीज़ हम लोग कर सकते हैं.